70s 80s के मशहूर हैंडसम हग विनोद मेहरा को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज आप जानिए विनोद मेहरा के हैंडसम और चार्मिंग बेटे रोहन मेहरा के बारे में। पहली बात, विनोद मेहरा ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की थी और तीसरी शादी विनोद ने की थी किरण से और रोहन उनकी तीसरी शादी के बेटे हैं। विनोद मेहरा की मौत केवल 45 ईयर्स की उम्र में हुई थी और उस वक्त उनके बच्चे बहुत छोटे थे। रोहन और उनकी बहन सोनिया को उनकी माँ किरण मेहरा ने ही पाला था। दूसरी बात, पापा की डेथ के बाद रोहन और सोनिया केन्या में ही पले बड़े और उनकी एजुकेशन की शुरुआत वहीं हुई। तीसरी बात, वैसे सिर्फ रोहन ही नहीं उनकी बहन सोनिया मेहरा भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। उन्होंने फिल्म विक्टोरिया 203 डायमंड्स ऑफ फॉरएवर से डेब्यू किया था और साथ ही उन्होंने फिल्म रागिनी MMS 2 में भी काम किया था। चौथी बात, रोहन ने लंदन में इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है। रोहन पहले एक बैंकर बनना चाहते थे लेकिन बाद में उनका मन एक्टिंग की तरफ चल निकला। पांचवी बात, रोहन को म्यूजिक का शौक है और वो बहुत अच्छा गिटार बजाने के साथ साथ गाते भी हैं, तो वहीं उनके फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। वो बहुत घूमते हैं और उनका कैमरा हमेशा उनके साथ ही रहता है और रोहन ने अपनी बहन सोनिया के बहुत सारे फोटोशूट्स भी किए हैं। और छठी बात, लव लाइफ की बात करें तो रोहन तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में है जो जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने वाली है। वेल, तो ये थे चार्मिंग और हैंडसम हंग रोहन मेहरा से जुड़ी कुछ खास बातें। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।